हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आपने न्यूज़ देखा ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12th सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है दो चार दिन पहले, और अब दो तीन दिन में भी बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी कन्फ्यूजन चल रहा है, सो एग्ज़ाम में कैंसिल क्यों किया है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लग रहा है कि हमारे साथ ये बहुत बुरा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे इससे बहुत खुश भी है। ओके, जो नॉर्मल रेंज के बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली वो अभी हैप्पी हो गए क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, इसका मतलब अभी सब लोग पास होने वाले हैं। ओके बच्चे, तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो है डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो या सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल इसी वजह से किया है कि आपका जो सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो ये जो इन दिस पैंडमिक में अभी जो कोविड का ये सिचुएशन चल रहा है, ऐसे स्थिति में एग्ज़ाम लेना बहुत ही मुश्किल है। सपोज़ अभी ये जून मंथ चल रहा है बच्चों, अभी अगर ये जून मंथ में भी एग्ज़ाम ले भी लेते हैं, जून महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर जुलाई में एग्ज़ाम लेते हैं एंड में, ओके, या अगस्त में लेते हैं, तो उसके बाद एग्ज़ाम को 15 दिन तो जाने ही वाले हैं, उसके बाद आपका पेपर इवोल्यूशन और ये सब चीज़ों में 1-2-3 महीने जाएंगे, सो तब तक नवंबर दिसंबर आ जाएगा, और उसके बाद आपका एकेडमिक का क्या होगा। और बहुत सारे बच्चे जो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं ऑलरेडी वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, सो ये सभी चीज़ें उन्होंने मायने रखते हुए ये अच्छा डिसीजन है, और मैं कहता हूँ कि हम सबको ये डिसीजन को फॉलो ही करना चाहिए। ओके बच्चे, सो बहुत सारे अभी टीचर्स बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये बुरा हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है बच्चों वो सोच समझ कर ही लिया है, आपका सेफ्टी उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में है, ठीक है अभी 12th एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई है, अभी हमारे मार्क्स का क्या होगा, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, सो उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने JRER निकाला है, और उन्होंने वो बताया गया है कि आपका जो 12th साइंस का यानी PUC एग्ज़ाम का जो भी रिजल्ट है, तो आपके उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है, सो वही क्राइटेरिया मैं आज को बताने वाला हूँ बच्चों। सो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया कैसा है, सो इसके बारे में हम आज इन डीपनेस देखने वाले हैं। तो बच्चों, जो भी 12th के एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गई है, तो बहुत सारे बच्चे अभी कन्फ्यूजन में हैं कि चलो यार, अभी बहुत बच्चे नाराज़ भी हो गए जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। अगर इस क्राइटेरिया में आपको कम मार्क्स आ भी जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपको कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद आपको और एक चांस दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, जो टॉपर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको सपोज़ अभी स्कूल वालों ने उन्हें 90% 95% दे दिया, अगर आप उस रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप और एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं। और जो नॉर्मल रेंज के बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली वो तो हैप्पी है क्योंकि बिना एग्ज़ाम देते हुए हम पास हो गए। तो अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम 15-16 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क किया है, और हमारे साथ ये बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। सो ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, ये हालात ही कुछ ऐसी थी, ऐसे हालात में आपका एग्ज़ाम लेना बहुत ही मुश्किल है। आपने ही देखा है 1 महीने पहले सिचुएशन क्या थी, सो बहुत सारे हॉस्पिटल में तो बेड नहीं मिल रहे थे उस वक्त, ना पैसा काम कर रहा था, ना कोई हायर पोस्ट, ओके, बहुत सारे लोग उसमें मर गए हैं, सो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। अब ये सभी चीज़ें अभी तक भी ये पूरा कंडीशन जो है नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे स्टेट में अभी भी जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, सो ये सभी चीज़ें मायने रखते हुए गवर्नमेंट ने ये अच्छा डिसीजन लिया है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए बच्चों। सो अभी आपके माइंड में एक अहम सवाल है कि अभी हमारे मार्क्स का क्या होने वाला है, तो बच्चे मैं आपका वो जो कन्फ्यूजन है वो आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, तो अंत तक आप ये वीडियो देखते रहिए। सो ये जो आपका इस साल का जो 12th साइंस यानी कि CBSE बोर्ड रहने दो या स्टेट बोर्ड रहने दो, मोस्टली स्टेट CBSE बोर्ड ने तो जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है बच्चों। ओके, सो जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मैं आपको आज आपके सामने बताने वाला हूँ। सो अभी 12th साइंस CBSE बोर्ड के बारे में हम पहले बात करने वाले हैं, 12th CBSE बोर्ड। सो बच्चे आपको पता है 12th साइंस के बच्चे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 12th साइंस जो सब्जेक्ट होते हैं PCMB और लैंग्वेजेस, तो अभी मोस्टली प्रैक्टिकल्स एग्जाम होती है, प्रैक्टिकल्स के वंस ये जो प्रैक्टिकल यानी कि लैब एग्जाम है, सो प्रैक्टिकल के आपको पता है कितने मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के PCB ये
30 मार्क्स होते हैं ओके, और आपके थ्योरी के होते हैं, थ्योरी के मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स ओके, 70 मार्क्स होते हैं थ्योरी के। तो बहुत सारे स्टेट में ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है ओके। प्रैक्टिकल के आपके 30 मार्क्स हैं, आपका ये प्रैक्टिकल का जो 30 मार्क्स है बच्चों, वो आपके 11th के प्रैक्टिकल के बेस पे या आपके परफॉर्मेंस के बेस पे ये दिया जाएगा ओके। आपका 11th तक का परफॉर्मेंस कैसा था, सो ऑलरेडी आपने लैब किया है 11th में यानी कि फर्स्ट पीयूसी में, तो उसी बेस के आधार पर आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स दिया जाएगा थ्रू आउट आपका परफॉर्मेंस। अब रही बार थ्योरी एग्जाम की, 70 मार्क्स को कैसे देने वाले हैं, तो बच्चे अभी बिना एग्जाम के आपको मार्क्स देने वाले, तो CBSE बोर्ड ने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो किया है, तो उस क्राइटेरिया में उन्होंने बताया कि आपका ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो आपके नाइन्थ क्लास के, 10th क्लास के और 11th क्लास ओके बच्चे, 9th 10th और 11th क्लास के जो मार्क्स आने मार्क्स थे, सो उसका वो एवरेज निकालेंगे। सपोज समझ लिया आपको 9th में 90% था, 10th में आपको 92% आ गए ओके, अगेन 11th में आपको 93%, तो इन सब और 12th में आपने कुछ एग्जाम दिया होगा यानी कि प्रीलियम एग्जाम होती है या और कुछ टेस्ट होते हैं, सो वो एग्जाम भी वो कंसिडर करेंगे, सो सपोज उसमें आपको 91% है, तो ये जब अभी 9th में आपका मार्क्स देखने वाले हो, 9th का आपका परफॉर्मेंस था, आपका एकेडमिक कैसा है, 9th में सपोज आपको 90% है बच्चे ओके, 10th में 92% है, 11th में 93 है और 12th में 91 है, तो ये क्या करने वाले हैं, इन सबका एवरेज निकालने वाले, क्या करने वाले हैं एवरेज ओके, और इसी बेस पर आपका रिजल्ट बनने वाला है ओके। तो कभी कभी 91-92% आ जाएगा आपका इस बेस पर अगर उन्होंने रिजल्ट निकाला तो। और बहुत सारे बच्चे अभी बोलेंगे कि सर हमारा 9th का हमने अच्छा नहीं पढ़ाई किया था, 10th में भी हमने थोड़े से ऐसे ही पढ़ा किया, पढ़ के हमें कम मार्क्स आए हैं ओके, और 11th में भी हमने अच्छा खासा पढ़ाई नहीं किया है, हमारा प्लान था कि 12th में अच्छा पढ़े और 12th में अच्छे मार्क्स लाए क्योंकि वही करियर पॉइंट है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा। सो उन बच्चों को लेकर भी मुझे कहना है, अगर आपको इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ ओके, सो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है, ये जो ऑब्जेक्टिव मेथड फॉलो किया है, अगर आप लोग इस मेथड से सेटिस्फाइड नहीं हो तो गवर्नमेंट ने और एक बार आपको वो एग्ज़ाम लेने वाले हैं जो इस क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कोविड की सिचुएशन जैसे ही नॉर्मल होगी तो उन बच्चों के लिए जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको लगता है कि यार मुझे 93% मिला है कॉलेज में, एक्चुअली मुझे 97-98 में डिजर्व करता हूँ, तो उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही खुशखबरी दी है कि वो बोले अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप और एक बार कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हो और आपका रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हो, और जो बच्चे सेटिस्फाइड है इसी मार्क्स के बेसिस पर आप आपका हायर एजुकेशन का एडमिशन्स ले सकते हो ओके बच्चे। तो आपको सबके माइंड में क्लियर हुआ होगा, तो CBSE ने ये पैटर्न फॉलो किया है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट ने भी 11th का क्राइटेरिया रखा है, उन्होंने बोला कि 10th और 11th के, फॉर एग्जांपल अभी कर्नाटक बोर्ड जो है, UC बोर्ड बोलते हैं उसको, प्री यूनिवर्सिटी, तो कर्नाटक बोर्ड ने भी उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि 11th का और 10th का जो मार्क्स रहेगा सो उसका एवरेज निकालने वाले, और प्रैक्टिकल से जो 30 मार्क्स होते हैं सो वो ऑलरेडी आपने 11th में प्रैक्टिकल किया ही होता है और आपका टोटल प्रोग्रेस देख के उसी के बेस पे आपको आउट ऑफ 30 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा कॉलेज में, आपका वो सब चीज़ें देख के आपको मोस्टली 9 आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं या 20 मिल सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस ओके। आपका 11th का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और 12th तक की जर्नी आपकी कैसी है, उसी सभी बेस का आधार पर आपके 12th का रिजल्ट बनने वाला है। तो बहुत सारे बोर्ड ने ऑलरेडी भी अनाउंस कर दिया है, ICSE बोर्ड ने तो ऑलरेडी सब स्कूल वालों को बोल दिया है कि अभी जल्दी से जल्दी रिजल्ट बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस को ऑलरेडी 2 महीने डिले हो चुके हैं, जो बच्चे फॉरेनर में पढ़ने चाहते हैं सो उनके लिए अभी बहुत ही डिले हो चुका है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी यही डिसीजन लिया है। तो या आई होप आप सबको ये फॉलो ही करना चाहिए, और जो बच्चे अभी डिप्रेशन में गए हैं जिनको लग रहा है कि यार ये बहुत ही बुरा हुआ है, तो उनको मुझे लास्ट तक में कहना है बच्चों, एक 12th एग्जाम के मार्क्स या आपके लाइफ के फाइनल मार्क्स नहीं है बच्चों ओके। सो अगर सपोज आप एग्ज़ाम देकर आपको 95 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो क्या उसी बेसिस पे आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल या अदर फील्ड में एडमिशन मिल सकता है? नहीं। अगर आपको 98% है, 99 भी है, फिर भी आपको
अगर IIT में पढ़ना है या MBBS करना है तो आपको JEE नीट एग्ज़ाम देना ही पड़ता है बच्चों, ओके। सो ये जो 12th एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बेस पर आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे यार हमारा फ्यूचर ही स्पॉइल हो गया है, हमारे टाइम में ऐसा क्यों हुआ। तो बच्चों ये कुछ नहीं हुआ है, आपको एक अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास टाइम है JEE नीट और CET की प्रिपरेशन के लिए, अभी 2-3 महीने हैं तब तक आपका 12th एग्ज़ाम का रिजल्ट तो बन ही जाएगा। और आप इस कॉम्पिटिटिव में अभी थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि जो भी आपके आगे की एडमिशन्स होने वाली है, अगर आपको अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है तो आपको JEE मेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है, ये तो आपको पता ही है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS करना है, BDS करना है, BAMS करना है तो आपको नीट एग्ज़ाम कंपलसरी है, और उसी एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर ही आपको एडमिशन्स मिलने वाला है। एक 12th एग्ज़ाम सिर्फ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आपको MBBS जाना है तो 50% काफ़ी होते हैं, ठीक है, अगर आपको IIT एडवांस लेवल तक जाना है तो 75% काफ़ी होते हैं। तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस 11 तक तो अच्छा ही रहेगा, सो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके 9th, 10th और 11th के परफॉर्मेंस के ऊपर। सो आपको इन चीज़ों को अभी इन चीज़ों में डाइवर्ट नहीं होना है और इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अभी मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, मार्क्स कैसे आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो अच्छा डिसीजन है, बस आप अभी नीट JEE और CET एग्ज़ाम का अच्छा सा प्रिपरेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी फॉर नीट JEE एज वेल एज CET एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।